मैं उमर रश के फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कल रश्मि देसाई ने अपने बर्थडे की पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ की और उसमें उमर रियाज, राजीव आदित्य और नेहा बसीन को उन्होंने बुलाया था, जिसमें राजीव आदित्य तो सबसे पहले आ गए और रश्मि देसाई के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए नज़र आए। लेकिन रश्मि देसाई बार बार उमर रियाज की वेट करते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन उमर रियाज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, जिसमें राजीव ने रश्मि देसाई का दिल लगाने के लिए उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती की और उनको खुश करने की कोशिश की। लेकिन रश्मि देसाई तब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी और तब जब उमर रियाज आए तो उमर रियाज को कहीं ना कहीं सभी लोग उसको परेशान करते हुए नज़र आए और रश्मि देसाई जैसे उमर रियाज को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, जैसे कि उनके सारे दिन की थकान दूर हो गई हो इतने दिन के बाद उमर को देखकर। और तभी राजीव ने उसे कहा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, तुमने तो सारी पार्टी ख़राब कर दी। तो उमर हंसकर कहने लगे कि देखो मेरे फ्रेंड्स मुझे कितना याद करते हैं और कितना प्यार करते हैं, जी है मेरे सच्चे फ्रेंड्स। इसमें रश्मि देसाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और वो अपना गुस्सा निकालते हुए नज़र आई उनके लेट होने की वजह से और वो उमर रियाज को काफ़ी ज़्यादा पीटती हुई नज़र आई, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था और उमर रियाज को बहुत ज़्यादा खुश देखकर हमें भी वाकई में बहुत खुशी हुई। और बाद में चारों दोस्तों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फ़न किया और बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। आई होप आपको भी उनका ये व्यू बहुत ही बढ़िया लगेगा और आप हमें कमेंट कर जी ज़रूर बताइए कि आपको उमर रश्मि की जी दोस्ती और जी नोकझोंक कैसी लगती है। तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और ऐसे ही अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।